Although Bombay High Court have pronounced the climax for 2611 villain Kasab, but still he can see the rays of hope at the door of Supreme Court where he can file for his life. So it would be interesting to see whether the battle between the courts end up soon or will Kasab get tariq ke upar tariq. With camera person Ashraf Ali, me Rini Datta from Bharti Vidya Bhavan. The last release on the big cinemas was titled as Saath Khoon Maaf, which was directed under the supervision of Vishal Bharadwaj. Although the movie was not able to attract the viewers as much it was expected, but the main catch in the movie was the performance of Priyanka Chopra, which was even appreciated by the critics. The next thing to be noticed now is the next turning point in the Priyanka Chopra's performance on the big cinemas. Bhuvan with camera person Ashish, Delhi News 24. डेली सोप्स और रियलिटी शोज की टीआरपी पर काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं क्योंकि ये दिन ब दिन घटती ही जा रही है। जी हाँ, क्रिकेट महाकुंभ के चलते क्रिकेट का बुखार सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। वर्ल्ड कप में बीते दिनों हुए मुकाबलों ने आने वाले मैचेस के लिए दिलचस्पी को और भी बढ़ा दिया है। कल हुए आयरलैंड और इंग्लैंड के मैच में आयरिश टीम ने इंग्लैंड को पटकनी देकर ये साबित कर दिया है कि अब विरोधी खेमों में चिंता की लहर दौड़ जानी चाहिए। वहीं नीदरलैंड और कनाडा जैसी कमजोर माने जाने वाली टीमें भी दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ अपने आगे आने वाले मैचेस खेलने वाली हैं। वहीं यदि भारतीयों की बात करें तो भारतीय खेमा इंतजार कर रहा है रविवार को होने वाले मैच की, जहां पर उसे भी आयरलैंड के खिलाफ ही अपना अगला मैच खेलना है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रियलिटी शोज में यह क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 सबसे बड़ा रियलिटी शो साबित होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर रोमांच होगा, एक्शन होगा और बहुत सारा ड्रामा भी होगा। इंतजार है तो बस आगे आने वाले मैचेस का। कैमरा पर्सन संतोष वर्मा के साथ पंकज जोशी, आइजूम्स न्यूज। मेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, इस समय ये अल्फाज कांग्रेस की स्थिति बयां कर रहे हैं। बीता वर्ष 2010 भ्रष्टाचार से कुछ इस कदर लिप्त रहा कि कांग्रेस की छवि एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला हो या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला या फिर बात हो कॉमनवेल्थ घोटाले की, सभी घोटालों ने कांग्रेस की छवि पर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। अब कांग्रेस को जनता में अपना मत हासिल करने के लिए खासी जद्दोजहद की जरूरत पड़ेगी। कैमरामैन आशीष के साथ खुशबू राजपूत, आइजम्स। यूं तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में हुए हमलों का आरोपी करार देते हुए कसाब को मौत की सज़ा सुना दी है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक बार और अपने जीवन की मियाद को थोड़ा लंबा खींचने का एक और विकल्प कसाब के पास मौजूद है। अब देखना यह है कि जितनी तेज़ी के साथ इस केस का निपटारा अब तक किया गया है, क्या उतनी ही तेज़ी गुनहगारों को सज़ा देने में भी दिखाई जाएगी। कैमरामैन अशरफ अली के साथ मैं संचिता, भारतीय विद्या भवन। आज है वर्ल्ड कप का एक और महामुकाबला भारत और आयरलैंड के बीच। आयरलैंड जो इंग्लैंड जैसी टीम को एक बड़े स्कोरिंग मैच में हरा चुका है, क्या वो भारत के खिलाफ भी ऐसा कमाल दिखा पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। भारत जिसका मजबूत पक्ष उसकी बैटिंग है, वहीं उसका कमजोर पक्ष बॉलिंग है, यानी कि एक बार फिर सारा दारोमदार बैट्समैन पर ही होगा। वर्ल्ड कप में आगे का सफर तय करने के लिए भारत को फील्डिंग के साथ साथ बॉलिंग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरामैन अशरफ अली के साथ अजमा राहिल, जामिया। This is for the first time that Railways has rolled in a budget of ₹57,630 crore, as announced by Ms. Banerjee. It is indeed very clear that she has rolled her in Pole Express eyeing the West Bengal Assembly elections. Now we have to wait and see from where she would be able to arrange this much amount, as Railways is already on its way to becoming bankrupt. With camera person Ashraf Ali, this is Sayyed Abbas Mehndi for Bharti Vidya Bhavan. CVC. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और सरकार के कामकाजों पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीवीसी का निर्धारण किया जाता है। लेकिन पीजे थॉमस का जिक्र आते ही जहन में यही आता है कि मझधार में डूबती हुई नाव को मांझी ही पार लगाता है, लेकिन जब मांझी ही नाव डुबाएगा तो आप क्या कहेंगे? सीवीसी पीजे थॉमस दागदार हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, आप क्या कहेंगे? देश विकास कर रहा है, या आप ये कहेंगे कि भारत का लोकतंत्र भ्रष्ट तंत्र बन गया है, या जनगण मन जनगण काला धन बन गया है? कैमरामैन अशरफ अली के साथ मैं नंदन त्रिपाठी, आईसोम्स। ममता बनर्जीज रेलवे बजट सीम्स टू बी रनिंग ऑन द ओल्ड ट्रैक्स। विद द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस, वेस्ट बंगाल गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ममता बनर्जी। द ऑपोजिशन सीम्स टू बी अनहैप्पी विद द बजट एंड क्लेम्ड इट एज बंगाल्स रेलवे बजट। द मेजर्स फॉर सिक्योरिटी एंड टू इंक्रीज द रेलवेज कैपेसिटी आर स्टिल नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द बजट। पीपल फ्रेंडली बजट विल कंटिन्यू टिल द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। So, let's hope that in the next year's budget, the railway minister looks into the states where there is a necessity of huge railway infrastructure. With cameraman Manish, I, Ravleen Arora, IZM News, Lucknow.
आज है दिन शुक्रवार का, यानी एक नई मूवी रिलीज होने का दिन। आज विशाल भारद्वाज की सात खून माफ मूवी रिलीज हो रही है, जो कि एक थ्रिलर मूवी है। इससे पहले भी विशाल भारद्वाज ओमकारा और कमीने जैसी थ्रिलर मूवी बना चुके हैं, जो काफ़ी सुपरहिट रह चुकी है। सात खून माफ रस्किन बॉन्ड की नॉवल सुजेना सेवन हस्बैंड से इंस्पायर्ड मूवी है। कहानी की बात की जाए तो कहानी नायिका के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें नायिका प्यार पाने की तलाश में लगभग आधा दर्जन शादियां कर देती है। अगर सातवें खून की बात की जाए तो सातवां खून इस मूवी में सस्पेंस बना है, ये सस्पेंस मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब देखना ये है कि विशाल भारद्वाज का ये नया प्रयोग दर्शकों को कितना लुभाता है। कैमरामैन आशीष के साथ नेहा बिलखवा, आईजम्स। आखिर क्या होगा? जी हाँ, यही सवाल करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलो दिमाग पे दौड़ रहा है, क्योंकि कल विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां आयरलैंड जैसी पुछली टीम ने इंग्लैंड जैसी प्रबल दावेदार को तीन विकेट से मात दे दी है। आयरलैंड के इस परफॉर्मेंस ने एम एस धोनी को भी खासा चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इसी रविवार को भारत का मुकाबला आयरलैंड से होने वाला है। तो क्या इंग्लैंड की तरह भारत भी आयरलैंड को हल्के मिलेगी? इसका फैसला तो इस रविवार को होने वाले भारत आयरलैंड मैच से ही होगा। कैमरामैन अंकुर गुप्ता के साथ मैं अभिषेक गुप्ता, आइजम्स, लखनऊ। कहा जाता है कोई भी खिलाड़ी बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ा होता है तो वो है उसका खेल। एंड्रयू स्ट्रॉस और केविन पीटरसन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पछाड़ते हुए केविन ओब्रायन ने वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक जमा डाला और लाकर खड़ा कर दिया इंग्लैंड को हार की कगार पर। आयरलैंड के सामने जा इंग्लिश टीम औधे मुगिरी, वहीं देखना यह होगा कि धोनी और उसके धुरंधर आयरलैंड के खिलाफ कौन सी रणनीति अपनाते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अर्पित अग्रवाल, आइजम्स। महंगाई डाइन खाए जात है, ये लाइन भारत में पूरे जोर शोर से गूंज रही है। चाहे हो आलू या हो प्याज या हो चीनी के बढ़ते दाम, आंखों से आंसू सभी निकाल रहे हैं। अब देखना ये है कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी इस महंगाई को काबू करने के लिए अपने बजट में क्या सुधार लाते हैं और आम जनता को कितनी राहत पहुंचाते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं राशि गोविल, आइजम्स। हाल ही के दिनों में बाबा रामदेव, जो आजकल योग की मुद्रा में राजनीतिक आसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ने काले धन के मुद्दे पर जब कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की तो कांग्रेस के कॉन्ट्रोवर्सी से फेवरेट चाइल्ड दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए बाबा की 1100 करोड़ की संपत्ति पर सवाल उठा दिए। आगे आने वाले दिनों में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि काले धन के मुद्दे पर बाबा कपालभाति और कांग्रेस के बीच की इस कहासुनी में कौन कौन से मोड़ आते हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर सरकार गंभीर है तो आरोप प्रत्यारोप के बजाय वो काले धन पे श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर क्यों नहीं लाती है। कैमरामैन अशरफ अली के साथ विकास त्रिपाठी, आइजोम्स। सांसें रुकी थी, धड़कन तेज थी, हर हाथ उठे थे दुआ के लिए। ये ऐतिहासिक नजारा था बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम का। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया एक दिवसीय मैच टाई पर समाप्त हुआ। ना जीता भारत ना जीता इंग्लैंड, विजय हुई तो बस क्रिकेट की। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की ऐतिहासिक पारी ने बेंगलोर वासियों को मनमुग्ध कर दिया। वहीं इंग्लिश कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस द्वारा खेली गई ऐतिहासिक पारी भी सचिन की पारी से कहीं आगे निकल गई। अब देखने वाली बात यह है कि क्रिकेट का महाकुंभ कहे जाने वाले इस विश्व कप में भारतीय टीम किस तरह से अपनी चुनौती पेश करेगी। इन्हीं कुछ सवालों के साथ मैं कैमरा पर्सन आशुतोष शर्मा के साथ जितेंद्र कुमार, मास्को मीडिया न्यूज़, दिल्ली।